कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। किसान मजदूर की समस्या 70% किसानी है भारतवर्ष के अंदर, और जो हम मतदान करते हैं उसी से जो है राजा बनता हमारा। देखिए, राहुल गांधी तो सिर्फ मोदी जी के प्रचार में काम आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी को अपना जो है प्रचार का बजट ही जीरो कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक राहुल जी हैं तब तक बीजेपी को अपने प्रचार में खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो मोदी जी से ज्यादा बेहतर ऑप्शन नितिन गडकरी हैं? अच्छा, बन सकते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। राहुल गांधी अभी तो 2040-45 तक नहीं लग रहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इधर से आलू डाल रहे हैं, इधर से सोना निकल रहा है, उसी तरह से हमारे गांव वाँव डाल दिए, तो कहीं जापान में लंदन में ना निकल जाए, हमें तो यहीं भारत में ही रहना है। जो विपक्ष है वो भी अपनी बात को मजबूती से नहीं रखता, इसीलिए सरकार तो मुझे लगता है कि फिर के मोदी जी की आएगी। लेकिन इनको जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गांवों की समस्या है, उनका समाधान करना होगा। यानी अब कह जीत जाएंगे अगली बार हारना तय है। वैसे कोशिश तो हमारी यही है कि बीजेपी हो जाए, पर जो हमारी समस्या थोड़ा उन पर तो गौर करो। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव की वैसे तो बढ़िया है वैसे तो, पर बढ़िया सबको ना है, यही है कि अगर पिछली बार अखिलेश होता ना, शायद कोई है तो ना हमारे सिर पर चढ़ जाता, हमारे सिर पर चढ़ जाता। लेकिन ये यहाँ पे जो प्रशासनिक जो ऐसे नीचे के तबके के आदमी है ना, जो गांव में बस्ती बस रहे हैं, जैसे किसान है, मजदूर है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। सरकार मतलब नहीं ध्यान दे रही? सरकार ध्यान तो मतलब ऊपर से तो आ रही है, लेकिन नीचे के जो तबके के आदमी है ये उन पर ध्यान नहीं दे, अमल नहीं करते कुछ भी। अगर मैडम वो काम भी ना करें तो अभी सबके पसंद वही है, बीजेपी है, काम भी ना करें तो सबके पसंद है। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े वहीं एक चपरासी का बच्चा पढ़े, और जो मेडिकल सुविधा एक प्रधानमंत्री को मिले वही उस चपरासी को मिले, तो ये करप्शन खत्म होगा और देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा सिस्टम अभी हिंदुस्तान में कहीं कोई बना नहीं है। एपी ने कह रहा जैसे अंग्रेजों की नीति ना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो इन्होंने कर दिया। कहने के लिए कुछ है, करते कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 एकदम नजदीक है, और जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल का महीना है, जिस तरीके से अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है वैसे ही चुनावों को लेकर भी माहौल जो है वो थोड़ा गर्माया हुआ है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजियाबाद के इनायतपुर गांव में, जहां पर चुनावों पर बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौपाल हमने सजा रखी है। शुरू करते हैं, एक एक करके सबसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब की बार किसकी सरकार, किस आधार पर अब की बार वोट करने वाले हैं, इनके पास क्या समस्याएं हैं, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री पद पर, ये देखते हैं। चलिए कैमरा पर्सन से बोलूंगी, इधर आ जाए और एक एक करके सबसे बातचीत करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि लोग अक्सर बातचीत करते हैं चाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में हम आपके सामने हैं, हम लोग बातचीत करेंगे हुक्के पर, हम लोग हुक्के पर चर्चा करेंगे। इधर चलते हैं, पहले बातचीत करते हैं। देखिए, सुन ही लिया होगा आपने क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपकी बार? नहीं, माहौल तो ठीक है, भाजपा के फेवर में ही है माहौल, लेकिन कुछ इनकी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ विरोध भी है। जो नीचे का तंत्र है वो सुनवाई नहीं करता, जो लोगों की समस्या है उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। जैसे कि बिजली के बिल माफ करे हैं योगी जी ने, उसका धन्यवाद है, सब स्वागत करते हैं जी। लेकिन उसके साथ ही जैसे खाद का कट्टा था यूरिया का, वो 50 किलो का 40 किलो का कर दिया, तो इस चीजें से विरोध भी है।
लेकिन जो विपक्ष है वो भी अपनी बात को मजबूती से नहीं रखता, इसीलिए सरकार तो मुझे लगता है कि फिर के मोदी जी की आएगी। लेकिन इनको जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गाँव की समस्या है, उनका समाधान करना होगा। यानी अब के जीत जाएंगे अगली बार हार ना तय है, अगर अब के इन्होंने सुधार नहीं किया अब के तो फिर के मोदी जी को शायद मौका मिल जाए। लेकिन इन्होंने अगर किसान की अवहेलना की, गाँव की अवहेलना की, तो फिर हो सकता है अगली बार नहीं बने, अब की बार तो हो सकता है बन जाए। अच्छा, आप ये बात खुश होकर बोल रहे हैं कि चलिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या फिर चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने? नहीं नहीं, ज्यादा हमें खुशी भी नहीं है, ज्यादा वो भी नहीं है। लेकिन विपक्ष में कोई इतना मजबूत कैंडिडेट हमें लगता नहीं जो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है, इस कारण हम जो है मोदी जी ही बन पाएंगे। लेकिन इनको भी सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे देश में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमेशा हिंदू मुस्लिम ही नहीं चलेगा, कुछ गांवों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए भी योजनाएं लानी पड़ेंगी, और जो किसानों का शोषण है उसको बंद करना पड़ेगा। किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लानी पड़ेंगी और गांवों का विकास भी कराना पड़ेगा। आज गांवों के लिए, जैसा अब आप हमारे गाँव में बैठे हैं, यहाँ हाईवे तो बना दिया ईस्टर्न, लेकिन इसके बराबर में सर्विस रोड नहीं दिया। तो आज आने जाने की वही समस्या है जो 100 साल पहले थी। आज हम अगर जाना चाहें तो अपने वाहनों से आ सकते हैं, वैसे हम जा नहीं सकते, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जैसे डिग्री कॉलेज कोई नहीं है हमारे यहाँ पास में, इंटर कॉलेज कोई हमारे पास में नहीं है। तो ये सुविधाएं सरकार को देनी पड़ेंगी, और किसानों की जो आय है उसे दुगुनी करने का जो कहते हैं वो दुगुनी नहीं हो पा रही। वो आमदनी कम है और जो खर्चा वो ज्यादा बढ़े हैं, तो सरकार को अब इस पे फिर सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचा तो अबकी बार तो शायद किसान वोट दे देंगे, लेकिन अगली बार शायद इनको वोट नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगा। चलिए ठीक है, क्या हाल है आपके, सही चल रहा है सब? बस सही चल रहा, सब सही चल रहा। जो बात ये भी हमारी बात है, बस यही बात है। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लग रहा है अबकी बार मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? आज तो ऐसी है, आज ऐसी है। हाँ, शायद। हाँ। आप किसको वोट डालेंगे? हम तो मोदी को गिरेंगे वैसे तो आपके भी। अच्छा, खुश है उनके काम से? हाँ। ये बताइए टक्कर में है उनके कोई? टक्कर में सभी टक्कर पे है। तो मतलब कोई और प्रधानमंत्री पद पर जा सकता है, बन सकता है प्रधानमंत्री? कांग्रेस ज्यादा जो है बाकी बराबर की, कांग्रेस तो मुश्किल ही बनेगी। राहुल गांधी ना, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। चलिए ठीक है, राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? ना बना। क्यों? मोदी बने को। एक तो मुझे समझ नहीं आता है, राहुल गांधी का नाम लेते ही जितने भी लोग हैं वो हंसने लगते हैं पीछे से। हाँ, क्यों नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री? दिख रहा हूँ बना नहीं ऐसा ही। अच्छा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। क्यों बनेंगे, क्या काम करे ऐसा? नेता बाहर भी घूमे, अच्छे वो कर रहे हो। हाँ, दूसरे देशन में भी ऊपर भी ला रहा देश। हाँ। अभी तो सर ने इतनी समस्याएं गिनवा दी हैं। तो समस्या तो है, हम भी कह रहे हैं उनको। तो बाहर अगर घूमते रहेंगे तो फिर यहाँ की समस्याओं पे कैसे ध्यान देंगे? बाहर बताना पहुंचे पागो देश। अच्छा। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है आपको, अब की बार लहर कहाँ है, हवा कहाँ है? हवा तो हमारे यहाँ बीजेपी की है। बीजेपी की? हाँ। क्यों बनेगी बीजेपी अब की बार सरकार, बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी? अच्छे काम करने वाले को तो अच्छे करा जाएगा ना जी, अच्छे काम। राहुल गांधी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल दी। तो यात्रा ही तो निकाल रहे हैं, अब ऐसे काम तो कुछ नहीं करे उन्होंने। तो आप मौका दे दें आपकी बार फिर उन्हें? मौका तो पब्लिक जब सब इकट्ठी होगी जब तो मौका मिलेगा, वो सही इकट्ठी तो नहीं हो रही सब। अच्छा। हाँ जी। तो मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। अब क्या काम कर रहे हैं ऐसा मोदी जी जो आप प्रधानमंत्री? उन्होंने सभी काम करवा दिए अच्छे। जैसे एक आधा काम गिनवा दें? अच्छा, सड़क वड़क हैं। हाँ। और वैसे भी काम करे हैं उन्होंने बाहर भीतर जाने के भी। और वैसे काम वो कर ही रहे हैं जी। चलिए ठीक है, हुक्का पीते हैं? हुक्का पीते हैं, आपने मना कर दिया, धुआं मत लिखा रही हो, चलो नौ लिखा ने के। हाँ। हम ऐसा है जी। हाँ। ये इलेक्शन जो बालू के भीतर। हाँ। हम मानो किसी एक गांव के ऊपर निर्भर ना बड़ी वो है। हाँ। वैसे कोशिश तो हमारी यूए की बीजेपी हो जाए, पर जो हमारी समस्या थोड़ा उन पर तो गौर करो। हाँ। अब एक उदाहरण के तौर पर। हाँ। जैसे योगी ने बिजली का मिल माफ कर दिया। हाँ। उनके करें जिनके ट्वेल लग रही है। हाँ। मेरे ट्वेल भी ना लग रही। हाँ।
अब एक उदाहरण बताऊं कि मेरे लड़का दो हैं और 30-40 हज़ार रुपया बिल के हो रहे हैं, दोनों से कह रहे भाई या तो बिल जमा करो नहीं मैं कनेक्शन कटवाऊँ, तो या सुधर जो हो जाए थोड़ा वो घर के कनेक्शन का माफ करवा दे थोड़े और माफ करवा दे। अब वे लड़का दें कौन सा, अरे दें तो दोनों दें, और जो मैं अपना कनेक्शन कटवा लूंगा तो फिर दोनों अलग अलग लेंगे। तो उनसे कह के थोड़ा उनके घरेलू कनेक्शन भी मैं माफ करो कुछ, मैं कहूँ उनसे आप ही तो कहो और क्या। और बाकी एक जो हमने रख दी 3 दिन पहले, जो हमारी बस्ती की पानी की समस्या है, जैसे भी नाला खुद के हाईवे को नाला बढ़ना उसमें हो जाना चाहिए। अच्छा। पानी की और सवारी की समस्या है बद्दो ही। और बाकी अब अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव की वैसे तो बढ़िया है वैसे तो, पर बढ़िया सबको ना है, यू यू है कि अगर पिछली बेर अखिलेश होता ना शायद कोई है तो ना हमारे सिर पर चढ़ जाता, हमारे सिर पर चढ़ जाता। कौन है यहाँ पे कौन? ऐसी बात ना करते जा। और बस ठीक है, मैं तो यही समस्या है। राहुल गांधी बन सकते हैं? राहुल गांधी कैसे बन जाए, मैंने सुनी है 55-60 साल तक रह लिए, उससे तो झिके पड़े हैं। वह नहीं बने तो ठीक है, ये फेरी वेल जो एक्सल फेरी वेल कभी उसके समय का हो, और जो ये मोदी ने पूरा करो है, इंदिरा पे ना हुई हो, नेहरू पे ना हुई हो, और किसी कांग्रेस पे ना हुई हो, तो उसने एक तो देश में थोड़ा रोड़न की वो करिए, और बाकी योगी भी ठीक कर रहा हो काम, अब क्या और ही ना हो जान जा। मेरे तो विचार यही है, बाकी और थारे हाथ में। ठीक है ठीक है, क्या लग रहा है आपकी बार? मैं लग तो ऐसे रहा कि अब के बार भी जो भाजपा के ही पक्ष में सारा जो माहौल बना हुआ है वो हिंदुत्व के नाम पे, बाकी तो जो मोदी जी के चेहरा भी जो अभी उनके टक्कर पे कोई है नहीं, है नहीं। जो कुछ चेहरा, लेकिन ये यहाँ पे जो प्रशासनिक जो ऐसे नीचे के तबके के आदमी है ना, जो गांव में बस्ती बस रहे हैं, जैसे किसान है मजदूर है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। सरकार मतलब नहीं ध्यान दे रही? सरकार ध्यान तो मतलब ऊपर से तो आ जाए, लेकिन नीचे के जो तबके के आदमी हैं ये उन पर ध्यान देते, अमल नहीं करते कुछ भी। अब जैसे एक मैं बताऊं, गांव में जब से बसे हुए हैं कम से कम 2100 वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं, जिन पर सरकार यहाँ पर जो अधिकारियों ने सब पर नोटिस भेज दिए, सब पर मुकदमे भेज दिए, और वो अवैध बता गए, अगर जी आपके ये अवैध मकान हैं, ये पुराने जो उनमें सरकारी जो ग्राम सभा की ज़मीन बता के, लेकिन वो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उनके कम से कम वो 500 साल से भी ज़्यादा से बसे हुए हैं लोग बाग यहाँ पर गांव में। और ये जो कुछ जिस लोग इनकम टैक्स वाले हैं वो लोगों पर नोटिस भेजते हैं, किसी ने अपनी कोई 1-2 बीघे ज़मीन किसान ने बेच दी, वो पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो उस पर नोटिस आते हैं कि भाई आपका ये पैसा कहाँ से आया, आप इसको टैक्स भरो ये करो। अब सीधा साधा भोला किसान आया है आदमी, उसे कहाँ से टैक्स के बारे में ना तो कोई जानकारी ना कुछ है, तो सरकार को थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, इनकी समस्या को समाधान करना पड़ेगा जो किसानों का। ये बताइए प्रियंका गांधी नहीं बन सकती प्रधानमंत्री? नहीं, अभी नहीं बन सकती प्रियंका गांधी, क्योंकि अभी जो है उनके माहौल में जो है नहीं, वो अभी इतनी मेहनत नहीं कर रहे, सब कुछ है लोगों के अभी वो उसमें खरे नहीं उतर रहे अपने भाई ने, तो लेकिन इतनी मेहनत कर ली है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर ली उन्होंने, लेकिन वो अभी पब्लिक जो जनता है ना, आम जनता, उनकी जो उम्मीद है जो उन पर खरे नहीं उतर रहे अभी, क्योंकि उन्होंने पहले देख लिया 50-55-60 साल तक जो कांग्रेस ने राज करके देख लिया, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश में, तब से उनका जो है उनका वो माहौल बन नहीं पा रहा पक्ष में, ना ही वो काम कर पा रहे होंगे। जो आप करते हैं हुक्के का सेवन? नहीं नहीं करते, करते? नहीं। चलिए सही है, मना कर दिया, तो देश के युवा हैं ये। अच्छा क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार कुछ नहीं लग रहा, सीधा मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। 400 पार कैसे जाएंगे वो? जैसे 80 की 80 सीटें हमारे यूपी से जा रही हैं, उसी तरह से 400 पार जा रहे हैं। 80 सीटों पे तो लेकिन सीटें इधर उधर हुई है ना? नहीं, 80 आने ही बीजेपी के उसमें गठबंधन मिलके जो भी है, हमारा RLD के साथ 80 की 80 सीटें आएंगी, आएंगी 100% आएंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी अभी तो 2040-45 तक नहीं लग रहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इधर से आलू डाल रहे हैं, इधर से सोना निकल रहा है, उसी तरह से हमारे गांव वाँव डाल दिए तो कहीं जापान में लंदन में ना निकल जाए, हमें तो यहीं भारत में ही रहना है। अच्छा। जी नीतीश कुमार बन सकते हैं प्रधानमंत्री? विपक्ष का कोई भी नेता अभी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, अभी सिर्फ मोदी लहर है और मोदी रहना। नीतीश कुमार नहीं बन सकते क्या प्रधानमंत्री? नहीं बन सकते। ममता बनर्जी? नहीं बन सकते। अखिलेश यादव? नहीं बन सकते, अभी तो फिलहाल नहीं बन सकते, अभी तो मोदी लहर है, केवल मोदी मोदी।
क्या काम कर रहे हैं ऐसे मोदी जी जो आप उनको ही वोट डालेंगे? अभी मैं वहां से यहाँ तक मोदी जी मोदी जी मोदी जी, क्या काम कर रहे हैं ऐसा? किसके आधार पे आप वोट डालने जाएंगे आपकी बार? अगर मैडम वो काम भी ना करें तो अभी सबके पसंद वही है, बीजेपी है, काम भी ना करे तो सबके पसंद है। मतलब जनता को आप काम वाम नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, फिलहाल काम करो या मत करो, हाँ। लेकिन जनता की नजरों में मोदी मोदी हो रही है, मोदी योगी मोदी योगी। तो ये जनता अंधभक्त है या फिर सच में क्या चल रहा है? अरे तो अंधभक्त नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। सबने चश्मा ना पहन रखे? हाँ। आपने तो पहन रखा है। लेकिन मैंने तो पहन रखा मैडम, जब तो मैं कह रहा हूँ मैंने तो पहन रखा है, पर सब मोदी भक्त है, मोदी मोदी चलेगी अभी तो 10-5 साल, उसके बाद देखा जाएगा। मोदी भक्त है या अंधभक्त है अब ये तो वही जाने। आपसे पूछ रही हूँ मैं, आपको क्या लगता है, जनता क्या जानती है? मैं सबका अपना अलग रुख है, हाँ। नजरिया अलग है। मेरा मानना है कि सबसे पहले देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जहाँ प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े वहीं एक चपरासी का बच्चा पढ़े, और जो मेडिकल सुविधा एक प्रधानमंत्री को मिले वही उस चपरासी को मिले, तो ये करप्शन खत्म होगा और देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा सिस्टम अभी हिंदुस्तान में कहीं कोई बना नहीं है। इससे तो अभी यही लग रहा है कि जिसके पास पैसा होगा केवल वही अपने बच्चे पढ़ा पाएगा, क्योंकि हाँ। सरकारी संस्थाएं खत्म होती जा रही हैं जी। सरकारी संस्थाएं खत्म होती जा रही हैं, रोजगार की समस्या है। और अगर लहर की बात करें कि कौन बनेगा तो वो मोदी ही है, क्योंकि लहर तो पूरी तरह मोदी की है। और लेकिन इतनी सारी समस्याएं आपने बता दी हैं, तो क्या लगता है कि कोई और इन सब समस्याओं पे काम कर पाएगा अगर मोदी जी नहीं बनते हैं प्रधानमंत्री? ये सब भविष्य की बातें हैं। जब आपके पास पावर आती है तब आप काम करते हैं, जब मेरे पास आती है तब मैं करता हूं। तो कौन बनेगा भाई? मोदी से पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, हाँ। उन्होंने देश के लिए काम किया भाई, जैसे अभी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया है जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह, तो उन्होंने भी देश के लिए ही काम किया है। मोदी जी भी देश के लिए काम कर रहे हैं। ये सबकी अपनी सोच है कि वो देश को कितना आगे ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप ऑप्शन में पूछते हैं कि भाई इनसे अच्छा, जैसे मनमोहन सिंह से अच्छा नहीं बने प्रणब मुखर्जी, उनसे बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते थे इस देश के लिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो मोदी जी से ज्यादा बेहतर ऑप्शन नितिन गडकरी हैं जी। अच्छा बन सकते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। अगर सीटें कम हुई तो मेरे हिसाब से तो 100% नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे। नया चेहरा बीजेपी की तरफ से आएगा जी? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है आपकी बार आपको, हवा कहाँ है? हवा तो ये मिली जुली चल रही है हमारे यहाँ तो। अच्छा हाँ, कुछ कौन बनेगा पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, हाँ। तो किसको वोट डालेंगे? वोट तो अभी तय तो नहीं करा, पर ध्येय है बीजेपी दे दे या दूसरे विपक्ष के दूसरे पार्टी दे दें वोट। और क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बने या फिर कोई इंडिया गठबंधन में से आए आगे? गठबंधन में तो आ जावे तो वो भी ठीक रहेगा हमारे लिए तो। अच्छा। उसमें बीजेपी क्या है, बीजेपी ने तो ऐसा कह रहा जैसे अंग्रेजों की नीति ना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो इन्होंने कर दिया। कहने के लिए कुछ है, करते कुछ नहीं है, ऐसा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी समस्या है, यातायात की समस्या है और स्कूलों की समस्या है, बच्चे उनमें कोई सुविधा ही नहीं है, पढ़ते हैं प्राइमरी है, कहीं जूनियर हाई स्कूल है, कम से कम इंटर कॉलेज होना चाहिए, और स्वास्थ्य की समस्या है। सरकारी अस्पताल गांव में खुल जाए तो उसमें प्राथमिक जो उपचार है उसमें जो हो जावे, तो ये बहुत सारी समस्या है। हाँ, आपको क्या लग रहा है आपकी बार लहर कहाँ है? मोदी जी की लहर है, बीजेपी की लहर है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से और भारत में मोदी जी की वजह से। ये दो मुख्य चेहरे हैं हमारे राजनीति के, इन दोनों चेहरों की वजह से पूर्ण रूप से बीजेपी की लहर है, और ये पूर्ण बहुमत से आएंगे, किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। टक्कर में कोई नहीं है? कोई टक्कर में नहीं है। मतलब बीजेपी की तरफ से कोई आ सकता है प्रधानमंत्री पद पर अगर मोदी जी नहीं तो कोई? मोदी जी हैं, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो किसी का चेहरा बनने की आवश्यकता वैसे ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन चौधरी साहब ने बताया, नितिन गडकरी एक अच्छी छवि वाले नेता रहे हैं और उन्होंने परिवहन विभाग में बहुत अच्छा कार्य किया है, सड़कों का जितना भी निर्माण हुआ है वो नितिन गडकरी जी की नीति की वजह से हुआ है, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, सेम सवाल आपसे भी, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में से कोई आगे आएगा प्रधानमंत्री पद के लिए? नहीं देखिए, गठबंधन जो है आपका, ये इंडिया जो नया बना है, इंडिया में इंडिया जो पैदा हुआ है जी।
उसमें तो कोई चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक। राहुल गांधी है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इतने नाम बता दिए मैंने। नहीं देखिए, राहुल गांधी तो सिर्फ मोदी जी के प्रचार में काम आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी को अपना जो है प्रचार का बजट ही जीरो कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक राहुल जी हैं तब तक बीजेपी को अपने प्रचार में खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उनको तो आप उस कैटेगरी से बिल्कुल निकाल ही दें। बाकी तो कोई और ना ऐसा भी नहीं है कि जो प्रचार में भी लगा हुआ हो। ठीक है, अब रही बात हवा की, तो देखिए अभी तो हवा तो खैर जो हवा तो नहीं है जी, आंधी है। फिलहाल ये कह सकते हैं। हाँ जी, और क्या है, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं उसका बहुत कुछ करते हैं, बेशक उसका इफेक्ट जो थोड़े दिन बाद दिखाई देता है, जैसे पाकिस्तान का ठीक है रिजल्ट था, और वहाँ जो अपने जो वो सैनिक जो जहाज गिराया था जिन्होंने, एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। ठीक है, तो मैं चार लाइनों में एक बात बता रहा हूँ आपको कि क्यों बनेंगे वो, क्यों बनना चाहिए, कि भारत के स्वाभिमान को खोने नहीं दिया, घाटी में बीज रार का बोने नहीं दिया, वो पैदा वहां विकास हुआ ये खबर नहीं, पैदा कोई कसाब तो होने नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इन चार लाइनों से मेरे ख्याल से पर्याप्त है जो मैंने बताया है। और एक बात और जी, क्यों बनना चाहिए जी। अभी मैं अपनी बाइक खड़ी करके आया हूं कहीं, ठीक है, 90% मुझे उम्मीद है कि मुझे घर ऑटो से नहीं जाना पड़ेगा, मुझे मिल जाएगी। लेकिन 2014 से पहले ये उम्मीद नहीं थी कि जहां बाइक खड़ी करो कि अपनी बाइक से जाओगे या ऑटो से जाओगे। ठीक है, तो उसका एक कारण ये भी है। दूसरा, क्यों नहीं बनना चाहिए, मैं वो भी बता रहा हूं। हम जो वोट देते हैं मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को पता नहीं है कि हम उन्हें वोट दे रहे हैं। हम जो भी स्थानीय हमारे नेता, हम उनको वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अपना व्यक्तिगत काम आता है, जैसे मान लो कोई पुलिस केस हो जाए, आपस में हम भाइयां लड़ते रहेंगे, तो तब उनके जो वोट ले रहे हैं हमसे, चाहे वो आपका विधानसभा का हो या जो भी हो नेता, जो जनप्रतिनिधि जो भी है, तब मोदी जी को उनको ये समझाना चाहिए कि तब आपको देश हित में बात करनी है, कि मैं वोट देश हित में दे रहा हूं, पर्सनली रंजिश के लिए नहीं दे रहा हूं। हाँ। तो तब वो जात बिरादरी और फिर क्षेत्रवाद देखने लगते हैं, यानी कि पुलिस पे जो कंट्रोल है ठीक है, तो वो कंट्रोल संवैधानिक होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से पुलिस का कंट्रोल हो। तो अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लग रहा है सर आपके बारे में? मोदी सरकार है, मोदी जी की लहर है, मोदी जी बनेंगे, केजरीवाल नहीं बन सकते? अजी ना, केजरीवाल ना बने, जैसे दूसरा ऑप्शन है ये बता रहे नितिन गडकरी जी को, वे भी अच्छे हुए। देखिए, वहां से एक नाम आया फिर सब यहीं पे बोलने लगे, कुछ नया बताइए। हाँ, सड़क बनाइए, बहुत बढ़िया रोडन का काम करो। बताओ पहले, आपसे पहले कौन रोड थे, जब से गडकरी जी बने, जब से कोई रोड बन गो, हर जगह की सुविधा होगी, हर जगह कनेक्टिविटी होगी। अखिलेश यादव नहीं आएंगे? नहीं नहीं नहीं। प्रियंका गांधी? नहीं नहीं। राहुल गांधी? नहीं, अभी तो मोदी जी। नीतीश कुमार आएंगे? आ सकते हैं, मजबूत है गठबंधन में, पहले विपक्ष में थे ना, तो मजबूत चेहरा था, तो आ गए हैं बीजेपी के साथ, अब बीजेपी के साथ जुड़ गए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा। किसान मजदूर की समस्या, 70% किसानी है भारतवर्ष के अंदर, और जो हम मतदान करते हैं उसी से जो है राजा बनता हमारा। अब कहने का मतलब ये है कि जितने भी बीजेपी ने जो अपना वो लिया है घोषणा पत्र जी, उसमें लिख दें कि किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करें जी, तो गरीब जनता किसान सब वोट देंगे मोदी जी को जी। नन्नता तो गठबंधन भी मजबूत है, कमजोर ना है। अच्छा। हाँ, कमजोर ना माने कि गठबंधन कमजोर है। हाँ। हर जिले का अलग रुख है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, कौन बने प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कोई भी बनो, वो देश की हमारे किसानों की बात जो सुनेगा वही हमारे लिए है। कहाँ है लहर, आप क्या करते हैं? किसान खेती करें। हाँ। पहले तो ये आप गांव में आइयो, गांव की बात बूझो, हम राजनीतिक नहीं है, जो पूरे देश की बात बताऊं, पूरे देश की तो हम जानते ही नहीं होगा क्या, गाँव की बात, अखिलेश बनेगा या कौन बनेगा। हम तो केवल अपने गाँव की समस्या बता सकते हैं, बगैर पढ़े लिखे आदमी। हाँ। किसान आदमी। हाँ। और हम देश की बात कैसे बता दें? तो हमें तो नुकसान तो बहुत है, पर कुछ फायदे भी नजर आ रहे हैं। अच्छा। मोदी सरकार से। हाँ। फायदे तो ये हैं,
किसान ने बिजली समय पर मिल रही है। जो पहले रात में रात बिजली मिलती थी वो अब नहीं मिल रही है, दिन में मिल रही है और टाइम से टाइम मिल रही है। तो यूँ बहुत बड़ा किसानों को फायदा है। जो रात को हम फाल लेके जावे अब हमें रात को नहीं जाना पड़ता, फायदा यूँ हमें लग रहा है। एक फायदा यूँ भी लग रहा है कि ये जो है 2000 रुपया वे अब से पहले नहीं मिलते थे, अब हमें उसके लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है, वो हमारे घर बैठे खाते में आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमें फायदा नज़र भी आ रहे हैं, पर हमें गैल के गैल नुकसान भी बहुत है। आवारा पशु 50-100 साल पहले मुकदमे हम पे ठोके जा रहे हैं। इनसे गांव के लोग परेशान भी हैं। अब देव जो 150 गज जगह बड़े बूढ़े ने कभी तालाब में सही या कैसी भी सही घेर ली, जो कि अभी पहले ही बता रहे थे, उस पर लोगों पर 35-35 लाख रुपया का जरिमाना भेजा जा रहा है। तंग भी बहुत है, कुछ फायदे भी हैं। तो जा करके अभी गुना भाग करके देखो क्या करेंगे, कैसे कैसे वोट करेंगे। अभी तो गुना भाग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की जो गूंज है वो आप सुन रहे हैं, किस तरीके से जनता जो है, आम जनता जो है, गांव वाले जो है, उनका जो रुझान है वो किसकी तरफ है। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, जनता क्या चाहती है। हम लोगों ने बातचीत की गांव वालों से और अभी तक जो एक निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है कि अब की बार भले ही जितनी भी समस्याएं हों, हम अब की बार बीजेपी को वोट देंगे जिससे उन समस्याओं पर काम हो। इंडिया गठबंधन का कोई भी उस पद के लिए अभी तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, गाजियाबाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।